हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न स्टैंडर्ड 4 चैप्टर 4 पार्ट 2। सो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था? सिंह साहब ने पूंछ, ऐसी स्टोरी थी। उस स्टोरी में क्या था कि एक लायन और एक फॉक्स दोनों फ्रेंड होते हैं। जो लायन होता है वो क्या करता है कि शिकार करता है और खाता है, और बाकी का जितना भी बचता है वो सब किसको दे देता है? फॉक्स को दे देता है। तो ऐसे वो दोनों रहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि जो लायन होता है वो बुज़ुर्ग मतलब बूढ़ा हो जाता है। तो वो जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके अंदर शिकार करने के लिए एनर्जी नहीं बचती है। तो वो दोनों क्या प्लान करते हैं कि वो सामने से रैबिट को आते हुए देखते हैं। तो जो फॉक्स है वो क्या बोलता है कि आप मरने की एक्टिंग करो, लायन को ऐसा बोलता है, और मैं वो जो रैबिट है उसे पास बुलाता हूँ। लेकिन उन दोनों का जो ये प्लान होता है वो फ्लॉप हो जाता है। तो अभी आगे का क्वेश्चन क्या है? क्रम्मा गोट हुए, ये सब जो है स्टोरी वाइज आपको रखने हैं, और फिर नीचे जो दी है ब्लैंक उसमें लिखना है। फर्स्ट, खोटे खोटू सुतेला सिंह पूछड़ी हलावी। सेकेंड, शियाड़े ससलानो शिकार करवा माटे युक्ति करी। थर्ड, ससलाए कह्यू के मरेला सिंहनी पूछड़ी तो हल्ले। फोर्थ, शियाळे रड़ता रड़ता सिंह पर पांदड़ा नाख्या। फिफ्थ, ससला ने खबर पड़ी गई कि सिंह जीवे छे। तो इसमें फर्स्ट क्या आएगा? ये जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट आएगा। क्या? कि शियाळे ससला नो शिकार करवा माटे युक्ति करी। फिर सेकंड क्या आएगा? शियाळे रड़ता रड़ता सिंह पर पांदड़ा नाख्या। थर्ड नंबर क्या आएगा? ससलाए कह्यू के मरेला सिंहनी पूछड़ी तो हल्ले। नंबर फोर क्या आएगा? खोटू खोटू सुतेला सिंह पूछड़ी हल्लावी। और लास्ट में क्या आएगा? ससला ने खबर पड़ी गई कि सिंह जीवे छे। नेक्स्ट क्या है कि आपको जो ये पूरी स्टोरी है सिंह साहेब ने पूछ, उसमें से कोई 5 सेंटेंस लेने हैं और इसमें लिखने हैं अच्छी हैंड राइटिंग से। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि ऊपर के जो 5 सेंटेंस है जो हमने लाइन टू लाइन सेट किए, वो सब सेंटेंस आपको यहाँ पे लिख देने हैं। नेक्स्ट क्या है? तमारो मम्मीनो अने पप्पानो अथवा वडिलोनो अंगूठो छापो, दरेक परथी चित्र बनाओ। आपकी जो थंब की जो फिंगरप्रिंट होती है उसकी हेल्प से आपको वहाँ पे पूरी वो कलर वाला करके यहाँ पे रख देना है। और फिर जो छिप जाएगा उसके ऊपर आपको क्या करना है, ऐसे जो बटरफ्लाई है उस टाइप अलग कोई भी ड्राइंग कर देना है। अब यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं। तो इस वर्ड्स में क्या होता है कि कोई वर्ड जो होता है वो हम हाफ आता है, कोई पूरा आता है। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट आपको क्या दिया है, आँखो बोलो, मतलब कि ये जो पिंक वर्ड आप देख रहे हो वो यहाँ पे सेकेंड में आपको दिख रहा होगा कि ये जो है वो यहाँ पे हाफ है और यहाँ पे पूरा है। तो एक बार पूरा भी बोलना है और एक बार हाफ बोलना है। कौन सा वर्ड कैसे बोलते हैं वो आपको देखना है। तो देखो, ड ब बो डबो, ज ब भो जबो, अप पू अपू, ग प पू गप्पू, प थ थर पत्थर, अध धर अधर, मुननी मुन्नी, खिलली खिल्ली, बिलली बिल्ली, खिससु खिसु। ऐसे सब वर्ड्स है क्या? कौन सा वर्ड कैसे बोलते, जो हाफ वर्ड है वो बोलने वो हम रखते हैं वहाँ पे तो कैसा बोलते हैं, और जो पूरा है वो रखते तो कैसा बोल पाते हैं, वो आपको दिया था। तो आपने देखा कि पत्थर, फिर मुननी, तो ये सब जो वर्ड है वो हाफ रखते हो तो ही पूरा जो वर्ड है वो आपको समझ में आएगा। जैसे पत्थर, अधर, मुन्नी, खिल्ली, बिल्ली, खिस्सू, ऐसे। अब हम यहाँ पे एक पोएम दी है, तो चलिए हम पोएम देखते हैं। पहला, चकली बाई ये माला बांधिया ढंग वगरना, पहला दर्जीड़ा ने सुगरी बाई ना केवा मजाना। पहला, चकली बाई ये माला बांधिया ढंग वगरना, मतलब कि जो स्पैरो है उसने जो अपना नेस्ट बनाया, अपना माला बनाया, वो कैसे बिना
ढंग वगैरह, मतलब कि कोई अच्छा सा नहीं बनाया, बहुत अच्छे से नहीं बनाया, ऐसे ही उसने सब कुछ रख दिया। और जो सुगरी है उसकी और ये जो दर्जीड़ा आता है उन दोनों का माला जो है वो कितना अच्छा है। चाड़े खिसको लिए माला बांधिया रू ना रे साना, काबर कबूतर ने घुबड़ वड़ी कागड़ा कोयल ना। जो ट्री के ऊपर क्या होती है, गिलहरी स्क्विरल होती है, और काबर कबूतर घुबड़ कागड़ा कोयल ये सब जो बर्ड्स हैं उन सब के जो नेस्ट है वो किसे रुई और रेशे से बने हुए हैं, लेकिन ये जो स्पैरो है उसने अपने जो नेस्ट है वो अच्छे से नहीं बांधा। पहला उंदर भाई ये दर खोदिया केवा मजाना, सांप पेसी जईने राफड़ा करिया हक वगरना। क्या कि उसने जो रेट है उसने अपना जो दर बनाया है वो कितना अच्छा है, अपनी जो बिल बने हुए कितनी अच्छी है, लेकिन ये जो स्नैप है उसके जो कर है वो भी बहुत अच्छे, लेकिन ये जो स्पैरो है उसका घर अच्छा नहीं है। कीड़ी मकोड़ी ए दरना करिया नगर मजाना, पहला वांदरा भाई तो रखड़िया करे घर वगरना। क्या कीड़ी और मकड़ी दोनों ने जो घर बनाए वो बहुत अच्छे है, लेकिन ये जो मंकी है बंदर जो है उस वो जो है वो बिना घर के ही घूमते रहता है, लेकिन ये जो स्पैरो है उसने बिना मतलब कि कोई भी अच्छे से रखा बिना ही ऐसे ही बना दिया नेस्ट, कोई अच्छा नहीं बनाया। लखो इसमें आपको लिखना है कि कौन सा बर्ड एनिमल कहाँ पे रहता है, तो उंदर, तो उंदर कहाँ पे रहता है, दर, सांप तो राफड़ो, सुगरी माड़ो, कीड़ी दर और चकली माड़ो। ये क्या है लख्यू छे हम लखो, तो इसमें आप देख सकते हो कि बड़ा बड़ी लाइन है उसमें बड़े से वो फ़ॉन्ट में लिखना है, फिर यहाँ पे छोटे, यहाँ पे उससे छोटे और यहाँ पे उससे छोटे, मतलब कि इसमें जैसे आपको दिया है वैसे ही लिखना है कि बड़ी लाइन फिर छोटी उससे छोटी और उससे छोटे, जैसे आपको लिख देना है। तो क्या है, वांद्रो खिसकोली चकली केड़ी कागड़ो उंदर सुगरी मकोड़ो। नेक्स्ट क्या है, हमने जीवता करो, इसमें क्रोकोडाइल और इसके नेक्स्ट इसके बाद के पेज में कैट और स्नैक ये सब दिया है। इसमें है कि हमने जीवता करो मतलब कि ये सब जो है ऐसे अलग अलग है, तो कौन सा किसका पार्ट है बॉडी पार्ट वो आपको बताना है। तो इसमें तो आप देख सकते हो कि ये या इसके है, ये इसका पार्ट है, ये इसका है, इसका है, तो ऐसे ही आपको आगे के भी देखने हैं कि कौन सा पार्ट किसका है। तो चलिए देखते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कैट का कि ये जो पार्ट है इसका इतना पार्ट ही है, तो हाफ पार्ट कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये हम यहाँ से यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया। फिर ये तो इसका हाफ पार्ट कहाँ पे, तो ऐसा आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, ये यहाँ पे गया। फिर इसका सिर्फ नीचे का पार्ट है, ऊपर का पार्ट तो ये रहा, तो ये यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया, और बाकी बचा ये पार्ट और ये पार्ट, तो ये दोनों भी ज्वाइंट हो गए। नेक्स्ट स्नैक का है, तो चलिए स्नैक का भी देख लेते। तो ये तो इसमें सिर्फ पूंछ नहीं है, तो कौन सी नहीं है, ये वाली है, ये वाली, ये वाली, तो ये ज्वाइंट कर दिया। फिर इसमें कौन सा आएगा, ये आएगा, तो ये यहाँ पे ज्वाइंट हो गया। फिर इसमें ये आएगा, ये भी ज्वाइंट कर दिया, और ये यहाँ पे हो गया ज्वाइंट, वेरी गुड। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि एग्जांपल में जैसे दिया है वैसे लिखना है। आप यहाँ पे देख सकते हो अचर, तो उसके लास्ट में ये जो पिंक वर्ड है उसके ऊपर से हमें वर्ड बनाना है, तो रमकड़ू, फिर ड, तो ड के ऊपर से बनाना है डूंगर, र, र से बनाना है रसोई, ई, ई से बनाना है ईयर, तो फर्स्ट वर्ड जो है वो पूरा आपको लिखना है, और फिर ये जो लास्ट वर्ड है वो आगे का जो वर्ड है उसका फर्स्ट वर्ड होना चाहिए, तो ऐसे ही चलो लिख देते हैं।
भक्त त लास्ट में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तड़बु च, तो ये च के ऊपर से चकली, ली के ऊपर से लीमड़ो, और ड के ऊपर से डाकला। हो गया सेकंड क्वेश्चन। डब्बो, बो से बो ज, फिर ज से जमीन, न से न मन, फिर से न आया, नाद, फिर एरोप्लेन, तो न आया, तो न से नाग, ग से गणपति, त से तपेली, और ल से लाल, फिर फटाक, क से कमल, अल से, अभी हमने यहाँ पे कमल तो लिख दिया लेकिन अल से कोई वर्ड आता है नहीं आता, लेटर्स जो आते हैं, वर्णमाला जो आती है उसमें भी नहीं आता, तो मैं एक काम करते हैं, ये वर्ड इरेज कर देते, दूसरा लिख देते हैं। इसमें हम लिख देते हैं कबूतर, फिर राम, म से मरचू, और च से चरखो, फिर लास्ट बिल्ली, ली में ली, तो क्या आएगा, लीलावती, फिर त से तुमड़ी, ड से डुंगड़ी, और अड़ से लास्ट में लिख देते हैं नड़। अब इसमें क्या हुआ कि फिर से हमने लास्ट में अड़ लिया लेकिन अड़ पे से कोई वर्ड नहीं आता, तो हमने क्या कर दिया, ये जो वर्ड है लास्ट में रख दिया, क्योंकि ये जो है वो लास्ट वर्ड है तो इसमें चलेगा।